है वेलकम एवरीवन। तो आज के वीडियो में ना खास बात करेंगे कि भाई मतलब अगर किसी को मल्टीप्लेयर में प्रो बनना है तो किस तरीके से बनेंगे। तो चलो शुरुआत सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक तो देखो बॉलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी बॉलिंग करना। सिर्फ बॉलिंग करना नहीं, अच्छी बॉलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एक मेन चीज़ हो गई, उसके बाद अच्छी बैटिंग करना, और तीसरी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात कि भाई अच्छी फील्ड सेटअप लगाना। अब ये तीनों चीज़ जो अच्छे से कर लेना भाई वो समझ लो प्रो है। तो सबसे पहले तो देख लो फील्ड सेटअप बहुत ही ज़रूरी है, और फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ याद रख लो। और यहाँ पे वैसे टॉस जीतने के बाद ओपोनेंट ने बैटिंग का फैसला करा और हम यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। देखो अभी इसने जो शॉट खेला ये काफ़ी तगड़े तरीके से खेला और 6 रन मार दिए। अब नेक्स्ट बॉल पे देख लो फिर से इन्होंने 308 खेला और यहाँ पे 1 ही रन जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे फील्ड सेटअप कैसा करा है। अब इस तरीके से फील्ड सेटअप करोगे ओपोनेंट को कन्फ्यूज करोगे। और यहाँ पे बात करें ना बॉलर्स की, एक तो लेग स्पिनर होता है, एक ऑफ स्पिनर होता है स्पिनर में। तो ऑफ स्पिनर के पास कैरम और दूसरा, दो वेरिएशन होते हैं। लेग स्पिनर के पास वैसे ही फ्लिपर और लेग स्पिन, दो वेरिएशन अच्छे वाले होते हैं जिसका यूज़ आपको मैक्सिमम करना है। अभी देखो यहाँ पे ऑफ स्पिनर आ चुका है, 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैक्सिमम करना है कैरम और दूसरा। हाँ अगर यहाँ पे अच्छे से खेल लेते हो ओपोनेंट तो फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा और टॉप ड्रिफ्टर और आम बॉल के लिए जाना पड़ेगा। लेंथ भी अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप बॉलिंग करोगे तो आप अच्छे से बॉलिंग कर पाओगे। बट हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, हर वक्त अच्छी बॉलिंग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब बॉलिंग अच्छी हो सकती है बट सामने वाला अगर सॉलिड भाई प्रो निकला तो कोई सी भी बॉलिंग हो भाई पिट सकती है। तो ये भी बात है कि हाँ 10 में से 9 बार बच जाओगे, 1 बार रिस्क रहता ही रहता है कोई भी प्लेयर हो। अब देख लो यहाँ पे शुरुआत ओपोनेंट ने अच्छी करी थी थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे अभी देखो हमने शिकंजा कस लिया है भाई मैच पे। अभी यहाँ पे 1 ओवर 5 गेंद 15 रन 2 विकेट और यहाँ पे फिर से इन्होंने 156 खेला जो कि बच गए 4 रन जाएगा, तो अभी ये 19 रन पे पहुँचेंगे। अभी नेक्स्ट बॉलर है यहाँ पे विलियम्स। अब देखो यहाँ पे मैंने कराया टॉप स्पिन। वैसे बात करें ना, एक तो देखो है ड्राई पिच है, खास करके ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है पिच की। एक पिच होती है ग्रीन पिच, एक पिच ड्राई पिच, और एक होती है हार्ड पिच। ग्रीन पिच जो है मैक्सिमम लोग यूज़ करेंगे, स्पोर्ट में भी ग्रीन पिच ही चलती है तो सबसे बेस्ट भाई खेलने के लिए ग्रीन पिच ही है। बट उसके बाद आया ना तो ड्राई पिच जिस पे टर्न बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऑफ स्पिनर सबसे बढ़िया चॉइस रहेगी ड्राई पिच के ऊपर। और उसके बाद आती है हार्ड पिच जिस पे बाउंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भाई लेग स्पिनर्स बाजी मार लेंगे क्योंकि फ्लिपर पे एकदम ही कम बाउंस होता है और भाई जब करोगे लेग स्पिन तो एकदम ही तगड़ा बाउंस देखने को मिलेगा, तो विदाउट गेसिंग खेल पाना नामुमकिन हो जाता है हार्ड पिच पे। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट हिट मारी, विकेट निकलेगा। और एक पता है मतलब डायरेक्ट हिट जो है ना वो थोड़े दिन ट्राई मत करना अगर नए हो भाई, डायरेक्ट हिट ट्राई करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हिट के बिना भी गेम खेला जा सकता है अच्छे से। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कीपर एंड पे थ्रो करना हो तो लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आएगा, लेफ्ट साइड पे जहाँ पे भाई बॉलर्स एंड लिखा है ना उसके ही साइड में कीपर एंड भी लिखा होता है, तो वहाँ पे टेप करोगे कीपर एंड पे थ्रो होगा। और देख लो डायरेक्ट हिट के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो गेंद है वो छोड़ दिया एक बार फील्डर ने तो फिर एक्स्ट्रा रन जाएंगे भाई। तो अभी नेक्स्ट बॉल देख लो यहाँ पे फिर से 308 खेला। एक चीज़ खास करके ध्यान रखना, आफ्टर पावर प्ले मेरी फील्ड देखो यहाँ पे, और मैं अभी जो बॉलिंग कर रहा ना कम्प्लीटली भाई फील्ड सेटअप के हिसाब से ही बॉलिंग कर रहा, जैसी मेरी फील्ड सेटअप है मैं वैसे ही बॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो अभी जे लाइने को लेके आया मैं, और ये यहाँ पे 349 खेलने की कोशिश थी बट नहीं लगेगा, वो बॉल जो था वो काफ़ी बाउंस कम था। अब यहाँ पे देख लो फिर से यहाँ पे अच्छे से फील्ड सेटअप का फ़ायदा, 2 ही रन जाएंगे यहाँ पे। तो अभी ओपोनेंट पहुँचे 33 पे, यहाँ पे वार्निंग दे दी है अंपायर ने, ये जो ज़्यादा बाउंस वाला गेंद होता है ना वो जैसे रियलिटी में होता है ना कि एक ही डाल सकते हो, वैसे ही इसमें भी एक ही डाल सकते हो पूरे ओवर में, अगर दूसरा ऐसा बॉल डाला तो अंपायर सीधा ही देगा नो बॉल। वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी गेसिंग ओपोनेंट की, 6 रन लगा दिए वहाँ पे। अब ये जो शॉट है ना ये है 488 गोल्ड शॉट,
बट हाँ अभी के टाइम पे अगर इसको ना लो तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 584 एक गोल्ड शॉट है जो कि इसकी कमी पूरी कर देगा पूरे तरीके से। बट हाँ योकर पे नहीं लगेगा 584, वहाँ पे आपको 519 स्ट्रोक शॉट भी काम चल जाएगा। देखो अभी जो ओपोनेंट ने खेला ना ये शॉट था 495। हाँ ये जो शॉट है वो स्पिनर के लिए काफ़ी अच्छा है, बट फास्टर के लिए भाई इतना अच्छा है नहीं। अगर यहाँ पे 494 होता तो ओपोनेंट के लिए और भी अच्छा रहता, बट हाँ 495 स्पिनर के लिए अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट है इस वाली डायरेक्शन पे। तो अभी देखा जाए ना ओपोनेंट पहुँचे 4 ओवर और 2 गेंद में 49 रन पे। अभी मैं तो डायरेक्ट हिट की कोशिश बस प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे भाई कम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर खेलना होता है, टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं, तो वहाँ पे मुझे जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है, जिस वजह से फोर्सफुली मुझे जो है डायरेक्ट हिट के लिए अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे 55 पे पहुँचे हैं ओपोनेंट 4 ओवर 4 गेंद। देखो प्लेटिनम रैंक ओपोनेंट है, मैं भी प्लेटिनम रैंक पे ही हूँ, बट हम दोनों की गेम प्ले में काफ़ी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है, ये भाई साहब सिर्फ रैंक मोड ही खेलते होंगे, बट मैं यहाँ पे भाई साथ में खेलता हूँ स्पोर्ट्स मोड जो कि बहुत ही हार्ड है कम्पेयर टू भाई रैंक मोड। तो जो भी स्पोर्ट मोड के खिलाड़ी होते हैं ना वो इजीली रैंक मोड पे खेल देते हैं। वेल तो अभी देखे तो भाई यहाँ पे 61 रन ओपोनेंट ने बनाए, 62 का टारगेट सेट कराए। अब देखो बॉलिंग और फील्डिंग तो आपने देखी, अब यहाँ पे मेरी बैटिंग देखना, मैं किस तरीके से बैटिंग करता हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत करी है ओपोनेंट ने राधा कृष्ण के साथ में, और ये जो बॉलर है ना इसके पास 75 की स्किल है, मतलब इसके पास सारे के सारे वेरिएशन अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने परफेक्ट टाइमिंग करी, बट ये देखो मेलबोर्न का ग्राउंड होता है ना उस पर फिक्स नहीं है कि परफेक्ट टाइमिंग पे छक्का जाएगा ही जाएगा, उस पर कैच भी जा सकता है। तो एक चीज़ है मेलबोर्न के ग्राउंड पे थोड़ा और मुश्किल होगा क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, पर यहाँ पे ये भाई साहब वाइड बॉल डाल चुके हैं तो यहाँ पे हमने खेला ही नहीं है, तो एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, 3 रन बनेंगे टोटल। अब यहाँ पे देख लो इसने कराया ऑफ स्पिन, वैसे ये गलती आप कभी मत करना, क्योंकि अच्छा प्लेयर होगा ना तो नतीजा या तो चौका होगा या छक्का होगा। अब यहाँ पे बेहतरीन शॉट कनेक्ट हो चुका है, ये शॉट है 134 जो कि एक फ्री शॉट है, यहाँ पे फिर से इसने वाइड डाला है तो इसको जाने देंगे, क्योंकि एक रन एक्स्ट्रा जब भी मिल रहा हो ना वो ले लेने का, उसका सोचना नहीं वो ले लेने का बस। यहाँ पे इसने दूसरा डाला, मैंने यहाँ पे गेसिंग करी थी, मैं कैरम के लिए गया था, यहाँ पे निकला दूसरा इसलिए ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ। अभी वैसे देखो दो प्रीसेट का ऑप्शन आपको मिलता है, एक प्रीसेट फास्ट के लिए सेट करो, एक स्पिन के लिए सेट करो, काफ़ी लोग यही करते हैं, और या फिर मेरी तरह भी आप कर सकते हो, दोनों प्रीसेट कॉमन रखो और फील्ड के हिसाब से प्रीसेट सेट करो। मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे जो है वो प्रीसेट से मतलब नहीं होता है, खास करके बॉलर हो या बैट्समैन हो, मेरे में दोनों में कॉमन शॉट्स होते हैं जो दोनों पे चल जाए। बट मैं जब देखता हूँ फील्ड, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है 156 ब्लॉक रहता है पहले सर्कल में, तो वहाँ पे मुझे 134 की ज़रूरत पड़ती है तो मैं प्रीसेट 2 करता हूँ, बाकी 134 की ज़रूरत होती नहीं है तो 363 से काम चलता है। तो मेरा जो काम है वो ये है कि मैं फील्ड के हिसाब से प्रीसेट सेट करके रखता हूँ ताकि मुझे गड़बड़ ना हो बाद में। और मेरा कॉमन प्रीसेट रखने का एक और रीज़न है, मतलब फास्ट टैपिंग जब आप प्रो बनोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी लोग सामने फास्ट टैपिंग करेंगे जिसमें प्रीसेट चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे भाई अगर आपकी प्रैक्टिस होगी दोनों ही प्रीसेट से खेलने की, कॉमन खेलने की, तो आप आराम से खेल लोगे, चाहे प्रीसेट 1 से खेलोगे चाहे प्रीसेट 2 से खेलोगे, आराम से खेल लोगे, बट उसकी प्रैक्टिस चाहिए सर। तो अभी यहाँ पे 2 ओवर के बाद टोटल हुआ है स्कोर 44 रन, 2 ही ओवर में हमने बना लिया है। देख लो ओपोनेंट ने टारगेट सेट तो अच्छा करा था, बट ये नहीं सोचा होगा कि इतनी तेज़ी से चेज भी हो सकता है। तो अभी देख लो यहाँ पे नेक्स्ट ओवर है लेग स्पिनर की। अब ये चीज़ ये देखो भाई, देखो अभी मैं तो यहाँ पे गेस करके खेलने के लिए गया था क्योंकि मैंने पहली 2 ओवर में अच्छा स्कोर बना लिया था, बट हाँ राइट हैंड लेग स्पिनर है और आप राइट हैंड बैट्समैन से खेलते हो ना तो ये वाली गलती ना करना, क्योंकि ये कोई कॉमन शॉट है नहीं। अगर यहाँ पे लेग स्पिन सोच के खेलोगे और फ्लिपर निकलेगा तो फिर कनेक्ट नहीं होगा, और सेम टू सेम अगर फ्लिपर सोच के खेलोगे लेग स्पिन निकलेगा तब भी कनेक्ट नहीं होगा, तो ये तो मसला रहेगा राइट हैंडर्स के सामने।
वैसे हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर हो तब ज़रूर राइट हैंडर यूज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ लेग स्पिनर के सामने खास भाई ये दिमाग में रखने वाली बात है। अब इस पे देखो कॉमन शॉट कौन कौन से है। वैसे बात करें ना तो अब तक एक 1-5 चलता था, बट एक का लास्ट अपडेट जहाँ पे हाइट का अपडेट आया तो वहाँ पे बाउंस काफ़ी सारे बॉलर्स के बढ़ गए, जिसकी वजह से 1-5 अभी यूज़लेस हो गया। तो 1-5 अभी के टाइम पे ऐसा है कि चल गया तो चल गया, बाकी मोस्टली वो जो है वो स्टंप आउट ही करवाता है। तो लेग स्पिनर के सामने जब खेलना हो ना तब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई 1-5-6 अच्छे से खेलना है। 1-5-6 एक ऐसा शॉट है जो लेग स्पिनर के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। अब यहाँ पे ये वहाँ से नेक्स्ट बॉलर है, तो यहाँ पे वैसे हमने 308 खेला, चौका मिल जाएगा। और हाँ एक चीज़ भाई, मतलब एक दिन में कोई प्रो नहीं बनता। अगर आपको अच्छे से खेलना सीखना है तो मेरे जो गेम प्ले वीडियोस आते हैं ना डेली, वो रोज़ देखा करो। एटलीस्ट भाई 10-12 वीडियोस देख लोगे ना तब भी आपका गेम प्ले काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा गेम प्ले। बट हाँ उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा। और हाँ अगर एक्स्ट्रा ही स्पोर्ट भी खेलना है, आपको बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, सीखना है गेम को अच्छे से, तो फिर आपको लाइव स्ट्रीम भी देखनी पड़ेगी, जहाँ पे भाई आपको अच्छी खासी गेम की नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सामने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं। तो लाइव स्ट्रीम भी देखना। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।